नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा Redmi के दो नए पॉपुलर डिवाइस के बारे में। दोस्तों काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि वो Redmi का Note 10 Pro खरीदें या फिर Note 10 Pro Max खरीदें, क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही डिवाइस Redmi के Note 10 सीरीज़ के हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे डिवाइस हैं। तो दोस्तों आज मैं आपका ये कन्फ्यूजन है तो दूर करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरी देख ली तो आपका जो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। क्योंकि दोस्तों दोनों ही फ़ोन जो हैं अलग अलग रेंज पे आते हैं। जो Redmi Note 10 Pro है वो दोस्तों 6GB 128GB वाले वेरियंट 18,000 रुपये का, और 10 Pro Max जो है दोस्तों वो 6GB और 128GB वाले वेरियंट है 20,000 रुपये का। तो क्या दोस्तों आपको 2,000 रुपये बचा कर Redmi Note 10 Pro खरीदना चाहिए, या फिर दोस्तों आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके Redmi Note 10 Pro Max खरीदना चाहिए? ये सब मैं दोस्तों आपको आज वीडियो में क्लियर कर दूंगा, जिससे दोस्तों आपको इन दोनों में से एक अच्छा फ़ोन खरीदने का एक आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पर कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ मैं इन दोनों फ़ोन के फीचर के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों फ़ोन में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इस फ़ोन में चाहे दोस्तों Redmi Note 10 Pro Max हो या फिर दोस्तों Note 10 Pro हो, दोस्तों इन दोनों में ही मिलती है हमको 6.67 इंच की एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें दोस्तों आपको फुल HD रेजोल्यूशन दिया गया है और 120Hz का रेफ्रेश दिया गया है। तो दोस्तों दोनों ही फ़ोन में सेम रेफ्रेश देखने को मिलता है, सेम डिस्प्ले देखने को मिलती है और सेम साइज मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं बैटरी की, तो दोनों ही फ़ोन के अंदर दोस्तों आपको मिलती है 5020mAh की बड़ी बैटरी, और दोनों के साथ मिलता है दोस्तों 33W का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों बैटरी और चार्जर के मामले में दोस्तों दोनों फ़ोन सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 16MP का फ्रंट कैमरा दोनों फ़ोन के अंदर मिलता है। और दोस्तों बात करें प्रोसेसर की, तो दोनों ही फ़ोन के अंदर मिलता है 720G, जो दोस्तों 4G प्रोसेसर है Snapdragon की तरफ से। तो दोस्तों इन सब मामलों में दोनों फ़ोन सेम है, चाहे दोस्तों आप डिजाइन देख लो या डिस्प्ले का साइज देख लो या दोस्तों बैटरी देख लो या फिर दोस्तों प्रोसेसर देख लो, इन दोनों में दोस्तों आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलता। और दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो दोनों ही फ़ोन में आपको साइड वाला मिलता है। तो इस मामले में भी दोस्तों दोनों ही फ़ोन सेम है और रिफ्रेश दोनों फ़ोन का दोस्तों सेम है। अब दोस्तों बात करते हैं डिफरेंस आता कहाँ पर है। तो दोस्तों डिफरेंस आता है इसके बैक कैमरा में। दोस्तों जो मेन कैमरा है बैक में वो Redmi का Note 10 Pro Max में दिया गया है 108MP का, और Note 10 Pro में दिया गया है 64MP का। तो दोस्तों ये डिफरेंस है सिर्फ, जिसके लिए दोस्तों आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं अगर आप Redmi का Note 10 Pro Max खरीदना चाहते हो। तो दोस्तों जब आप इन दोनों फ़ोन की पिक्चर की क्वालिटी देखोगे तो आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपनी नॉर्मल पिक्चर क्लिक करते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो बार बार अपनी 108MP की फ़ोटो खींचे, क्योंकि उसमें दोस्तों आपकी मेमोरी भी ज़्यादा घिर जाएगी और दोस्तों जो 108MP की फ़ोटो होती हैं वो खींचने के बाद कई टाइम लेती हैं। तो अगर आपको सिर्फ 108MP के कैमरे के चक्कर में फ़ोन चाहिए तब आप Redmi Note 10 Pro Max की तरफ जा सकते हो। नहीं तो दोस्तों मैं तो यही बोलूँगा कि सब कुछ सेम है, सारे फीचर सेम दिए गए हैं, आप Redmi Note 10 Pro ले लो, क्योंकि 64MP का कैमरा होता है वो भी काफ़ी अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि 64MP का कैमरा बेकार होता है, काफ़ी अच्छा कैमरा होता है और सारे फीचर दोस्तों बाकी सेम है Redmi Note 10 Pro Max की तरह, सारे फीचर सेम है इस फ़ोन में। सिर्फ जो कैमरे का सेंसर है वो 108MP की जगह 64MP कर दिया गया है। और दोस्तों अगर आपके पास 20,000 रुपये हैं, आप चाहते हो 20,000 रुपये का डिवाइस लेना, तो आप Redmi का Note 10 Pro ले लो, इसका हाई वेरियंट वाला जो कि दोस्तों 8GB और 128GB वाला है। उसमें क्या होगा दोस्तों कि आपको फ़ोन 20,000 रुपये का मिल जाएगा, जिसमें दोस्तों आपको 8GB रैम मिलेगी और 128GB मेमोरी मिलेगी। तो आप 20,000 रुपये में Redmi Note 10 Pro Max से बेटर Redmi Note 10 Pro ले लो 8GB वाला, दोस्तों इसमें आपको एक्स्ट्रा रैम मिल जाएगी। बट दोस्तों अगर आप जो दोनों फ़ोन है काफ़ी अच्छे हैं, बट Redmi Note 10 Pro Max क्या होता है दोस्तों, ये आपको आसानी से अमेजन मिल जाएगा, बट जो फ़ोन Redmi Note 10 Pro है ये हमें अमेजन पर हर वक्त अवेलेबल नहीं मिलता। तो अगर आपको Redmi का Note 10 Pro मिल रहा है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तो आप इसको ही खरीदना, Redmi का Note 10 Pro Max की तरह बिल्कुल मत जाना, क्योंकि दोनों फ़ोन सेम है, आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे सिर्फ 108MP के लिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।